गुड इवनिंग फ्रेंड्स, मैं मंजुल पांडे एक बार फिर से आप सभी का आरबी क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। जल्दी से आप लोग लाइव आ जाइए। गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। चलिए स्टार्ट किया जाए टॉपिक को। हम लोगों ने मौलिक अधिकार को समाप्त कर लिया था, समझ लीजिए पॉलिटी 40% समाप्त हो चुकी है, आधी लगभग पॉलिटी समाप्त हो जाती है जैसे ही भाग 3 कंप्लीट होता है। जैसे मौलिक अधिकार कंप्लीट हुए तो समझ लो कि आपकी आधी से ज़्यादा पॉलिटी, लगभग आधी, पूरी नहीं कह सकते हैं, आधे से ज़्यादा नहीं कह सकते क्योंकि सबसे बड़ा भाग 5 है संघीय कार्यपालिका। लेकिन जैसे ही भाग 3 कंप्लीट होता है समझ लो आप आधी पॉलिटी लगभग पढ़ चुके हो। ठीक, अब इसके बाद आज हम क्या पढ़ेंगे, भाग 4। और अब भाग 4 में आप सबको पता है क्या है, हमारी DPSPs हैं। ठीक, DPSP हम पढ़ेंगे और उसके बाद भाग 4A में रखा गया है फंडामेंटल ड्यूटीज को, मौलिक कर्तव्यों को। यह आसानी के साथ एक या दो लेक्चर में ही कंप्लीट हो जाएगा क्योंकि इससे संबंधित कोई विवाद नहीं है। विवाद क्यों नहीं है वो सब हम डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करने से पहले आप लोग पहला काम करिए, वीडियो को लाइक करिए और शेयर करिए सभी ग्रुप में, फिर स्टार्ट किया जाए। चलिए, सब लोग लाइव आ चुके हो ना, स्टार्ट किया जाए। आज हमें टॉपिक कौन सा पढ़ना है, आज हमें पढ़ना है राज्य के नीति निदेशक तत्व। हमें यही पढ़ना है आज, राज्य के नीति निदेशक तत्व। चलिए, सब लोगों ने वीडियो लाइक कर दिया है ना, जल्दी से वीडियो को लाइक करो। और आप लोग लेट जुड़ते हो वीडियो में, जब आप लोगों को टाइम फिक्स पता है तो आप लोग लेट क्यों आते हो। स्टार्ट किया जाए। चलिए, कुछ क्वेश्चन आप ही बताइए क्योंकि हम पहले बता चुके हैं। 3 क्वेश्चन हम आपसे पूछेंगे। यह किस भाग में है, पहला क्वेश्चन। दूसरा, इसका स्रोत क्या है। और तीसरा क्वेश्चन, यह किस अनुच्छेद से कहां तक है, यह किस आर्टिकल से किस आर्टिकल तक है। 3 क्वेश्चन का जवाब दीजिए। ये तीनों चीज़ें हम बता चुके हैं। हमारा टॉपिक आज होगा इंडियन पॉलिटी में राज्य के नीति निदेशक तत्व, जिसे इंग्लिश में क्या कहते हैं, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। क्या कहेंगे, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिटी, जिसे हम लोग शॉर्ट में बार बार क्या पढ़ेंगे, DPSP, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, राज्य के नीति निदेशक तत्व। चलिए, रिप्लाई आया है सभी का, सब लोग रिप्लाई नहीं करते हो। किसमें है, भाग 4 में है। ठीक, स्रोत की बात करें तो हमने बताया था स्रोत क्या है इसका, स्रोत है आयरलैंड। स्रोत क्या है, आयरलैंड है। और अगर अनुच्छेद की बात करें तो अनुच्छेद 36 से 51 तक। देखिए, कल मैंने एक क्वेश्चन पूछा था लेकिन दुख की बात है कि केवल 2 से 3 लोगों ने उसका आंसर दिया था। तो क्या आप लोग पढ़ाई नहीं कर रहे हो, बाकी सब क्या कर रहे हो, आप लोगों को बिल्कुल भी समझ में नहीं आता है। मैंने कहा था कमेंट में आप लोग क्या करोगे, आंसर दोगे उसका, लेकिन
तीन लोगों के अलावा शायद दो नाम मुझे याद हैं, रवि ने कमेंट किया था और जन्मेजय ने कमेंट किया था। बाकी सब क्या कर रहे हो? एक दो नाम और थे शायद भूल रहे हैं। बाकी सब क्या कर रहे हो? कितनी मेहनत लगती है आपको पता है? कोई कमेंट में आंसर नहीं दिया, दो तीन लोगों को छोड़कर। पूरा भाग तीन मैंने 9-10 लेक्चर में कंप्लीट किया है, लगभग 8 घंटे क्लास चली है, मैंने खुद जोड़ा है केवल भाग तीन पढ़ने के लिए। लेकिन इसके बाद भी आप लोग रो रोज कहना पड़ता है। बातें सोच लो, आप लोगों को बुरी भले लगे, हमने क्वेश्चन एक पूछा था। क्वेश्चन क्या था? हमने क्वेश्चन पूछा था कि इमरजेंसी में और मार्शल लॉ में क्या अंतर है। अगर आपको नहीं पता है तो आप ये भी तो कोई जो भी थे जिसे नहीं पता था, क्या वो लिख नहीं सकते थे कि सर नहीं पता है, हम आज बताएं या ना बताएं? क्या सोच के हम बताएं? हमें तो लग रहा है कि आप लोगों के पास टाइम ही नहीं था। नॉर्मल सी बात यही हुई कि आपके पास टाइम नहीं था, क्योंकि अगर पता होता तो आप आंसर लिखते, नहीं पता होता तो आप ये कहते कि हमें नहीं पता है। लेकिन इन दोनों में से आपने नहीं किया। कमेंट आपसे मांगा गया था ना, कमेंट यही था कि आपको यदि पता है तो आप उसका आंसर दो, और यदि नहीं पता है तो आप लिख दो कि नहीं पता है, कल इसे बता दीजिएगा। और इन दोनों में से कुछ कमेंट नहीं आया, तो इसका मतलब बेसिक से बात है कि आपके पास समय का अभाव था। आपके पास 2-4 मिनट नहीं था, इसका बेसिक सा मतलब यही हुआ। चलिए, कल एक बात जन्मेजय ने लिखा था उसे मैं कंफर्म कर देना चाहता हूँ कि जन्मेजय ने लिखा था कि इमरजेंसी, देखो इमरजेंसी तो राष्ट्रपति लगाता है, बिल्कुल बात सही है। लेकिन जन्मेजय जी, कल ही मैंने एक बात बताई थी कि जो मार्शल लॉ होता है वह राष्ट्रपति नहीं, राष्ट्रपति के साथ साथ राज्यपाल भी मार्शल लॉ के ऑर्डर दे सकता है, सेना विधि लगा सकता है। कौन कौन? राष्ट्रपति भी और राज्यपाल भी। बात क्लियर है यहाँ तक? तो ये एक बहुत बड़ा अंतर था। ठीक, वैसे तमाम चीज़ें हैं मौलिक अधिकारों को लेकर, मौलिक अधिकार दोनों में सीमित कर दिए जाते हैं, स्वतंत्रता के अधिकार को समाप्त कर दिया जाता है, दोनों में कर दिया जाता है। मैं उन्हीं को बता रहा हूँ जिसने कमेंट किया था, बाकी सब वीडियो छोड़ के जा भी सकते हैं जिसके पास 2-4 मिनट का समय नहीं है एक कमेंट डालने के लिए। बात समझ में आई? हमें भीड़ नहीं चाहिए, बहुत बेसिक से बात है, भीड़ नहीं चाहिए। और एक बात उसमें कि इमरजेंसी पूरे देश में या पूरे राज्य में लगाई जाती है, जबकि मार्शल लॉ एक किसी सीमित क्षेत्र में लगाया जाता है। बाकी जो और आंसर आए थे वो बिल्कुल सही थे, केंद्रीकरण कर दिया जाता है किसका? इमरजेंसी में शासन का क्या हो जाता है? केंद्रीकरण हो जाता है। तो तमाम हैं, लगभग 7-8 अंतर आप लोग लिख सकते हो। अच्छा लगा जिसने किया था, और जो नहीं किया था उसके पास समय का अभाव है, रियलिटी यही है। तो चलिए, हम लोग आज स्टार्ट कर रहे हैं भाग चार, और भाग चार में क्या है, राज्य के नीति निदेशक तत्व शामिल हैं। ठीक, और यह लिया कहाँ से गया है? आयरलैंड से लिया गया है। सोर्स इसका पार्ट है 4 है, सोर्स है आयरलैंड, और आर्टिकल है 36 लेकर 51 तक। ये एक लेक्चर की बात है क्योंकि इसमें कोई भी बात नहीं है। लेकिन सबसे पहली बात आती है कि राज्य के नीति निदेशक तत्व होते क्या हैं। सबसे पहला मेरे दिमाग में क्वेश्चन यही आएगा, आपके दिमाग में भी आना चाहिए कि जो हमने लिखा है राज्य के नीति निदेशक तत्व ये होते क्या हैं, DPSP आखिर होती क्या है। तो पहले हम इसी पर बात कर लेते हैं, बाकी इसमें हमें केवल आर्टिकल लिखने जाने हैं, कुछ है नहीं इसमें, बस आपको सीधे सीधे आर्टिकल्स याद करने हैं। पहला मेरे दिमाग में क्वेश्चन आएगा कि व्हाट इज DPSP। आप लिखोगे कि DPSP क्या है, DPSP क्या है। ठीक, तो देखिए एक बात हमने कही थी राइट की,
आप लोगों को पता होगा कि हमने क्या पढ़ाया था, राइट पढ़ाया था, राइट्स बताया था। तो ये जान लो कि राइट आपका यफार भी था, यफार तो आपका राइट था ही, और ये जो डीपीएसपी है ये भी आपका क्या है, राइट ही है, ये भी आपका क्या है, राइट ही है। दोनों आपके अधिकार हैं, डीपीएसपी भी आपका अधिकार है और राइट भी आपका अधिकार है, लेकिन दोनों अधिकारों में एक बहुत बड़ा अंतर है। जो फंडामेंटल राइट होते हैं, जो मौलिक अधिकार होते हैं, यह आपको मिलेंगे तो मिलेंगे, ये बाध्यकारी होते हैं, लेकिन डीपीएसपी ऐसे अधिकार होते हैं जिसे लागू करने के लिए आप सरकार पर, राज्य पर दबाव नहीं बना सकते हो। कहने का मतलब है कि ये बाध्यकारी नहीं होते हैं, ये राज्यों के विवेकाधीन होते हैं। राज्य चाहेगी तो डीपीएसपी को लागू करेगी और आपको अधिकार देगी, लेकिन ये क्या हुआ, पूरा राज्यों के विवेकाधीन पर निर्भर होता है क्या, डीपीएसपी होता है। जो सबसे बड़ा अंतर होता है, अगर हमने कहा कि डीपीएसपी क्या है, तो डीपीएसपी भी एक क्या है, अधिकार है। कैसा अधिकार है, एक ऐसा अधिकार है जिसे लागू करने के लिए राज्य क्या होते हैं, पूर्णतः स्वतंत्र होते हैं। पूर्णतः क्या होते हैं, स्वतंत्र होते हैं। अगर कभी परिभाषा कोई पूछता है तो आपके एग्जाम में परिभाषा नहीं पूछी जाएगी कभी भी, लेकिन अगर आपको किसी को समझाना हुआ तो आप ऐसे ही समझाओगे कि डीपीएसपी भी एक अधिकार है जो हमारे संविधान के भाग चार में वर्णित है, और यह एक ऐसे अधिकार होते हैं जिसे लागू करने के लिए आप राज्यों पर दबाव नहीं बना सकते हैं। कहने का मतलब है कि राज्य इन अधिकारों के लिए पूर्णतः स्वतंत्र हैं, इन अधिकारों के लिए क्या है, पूर्णतः स्वतंत्र हैं। चलिए, ये तो बात हुई कि डीपीएसपी हैं क्या, या राज्य के नीति निदेशक तत्व कहते किसे हैं। देखिए, डीपीएसपी में कुछ बातें कही गई हैं, डीपीएसपी में कुछ बातें कही गई हैं, जिसमें सबसे पहला कहा जाता है, आप लोग लिखिएगा इसके अंतर्गत कुछ बातें। सबसे पहली बात कि डीपीएसपी प्रवर्तनीय, प्रवर्तनीय नहीं होते हैं, डीपीएसपी क्या नहीं होते हैं, प्रवर्तनीय होते हैं, सॉरी प्रवर्तनीय नहीं होते हैं। बात क्लियर है, क्योंकि हमने बताया था कि जो मौलिक अधिकार थे हमारे वो क्या थे, प्रवर्तनीय थे। मतलब प्रवर्तनीय का मतलब भी मैंने बताया था कि वह किसी भी कंडीशन पर आपको मिलेगा तो मिलेगा, लेकिन डीपीएसपी हमने बताया कि राज्यों के विवेकाधीन पर क्या होते हैं, लागू होते हैं। राज्यों का जैसा विवेक करेगा वैसे वो डीपीएसपी को आपको दे भी सकते हैं या आपसे छीन भी सकते हैं। ठीक, ये राज्यों का कर्तव्य होता है एक वेलफेयर स्टेट बनने के लिए, एक वेलफेयर स्टेट के लिए ही बनाया गया है क्या, डीपीएसपी बनाया गया है। ठीक, चलिए अभी लास्ट में बताएंगे सबका निचोड़ क्या निकलेगा डीपीएसपी का। दूसरा पॉइंट आप लिखोगे, डीपीएसपी वाद योग्य नहीं होते, डीपीएसपी वाद योग्य नहीं होते। कहने का मतलब है कि यदि कोई आर्टिकल है डीपीएसपी से संबंधित, मान लो एग्जांपल आर्टिकल 40, आर्टिकल 40 जिसमें ग्राम पंचायतों का गठन कहा गया है कि राज्य सरकारें ग्राम पंचायतों का गठन करेंगी, ऐसा लिखा गया आर्टिकल 40 में, लेकिन मान लीजिए कि कोई राज्य सरकार ग्राम पंचायतों का गठन नहीं करती हैं, तो आप इसके लिए सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकते। वाद योग्य का क्या मतलब है कि आप कोर्ट नहीं जा सकते, उस पर वाद विवाद नहीं कर सकते हो सरकार से कि हमें ग्राम पंचायत चाहिए तो चाहिए। तो कहने का मतलब है कि डीपीएसपी वाद योग्य नहीं होते हैं। अगली बात, अगर वाद योग्य नहीं होगा तो यह सरकारों पर बाध्यकारी भी नहीं होगा, ये क्या नहीं होगा, सरकारों पर बाध्यकारी नहीं होगा, ये बात भी क्लियर है, बात क्लियर है। जब ये सब नहीं होगा तो बाध्यकारी भी नहीं होगा। ठीक, और क्या हो सकता है, एक बात जानिए कि जो फंडामेंटल राइट थे, मौलिक अधिकार थे,
ये राज्यों के विरुद्ध नागरिक के अधिकार हुआ करते थे। क्या हुआ करते थे? राज्यों के खिलाफ, जो राज्य की परिभाषा हमने आर्टिकल 12 में बताई थी, उसके खिलाफ हुआ करते थे। किसके अधिकार? किसके अधिकार? तो नागरिकों के अधिकार। तो कहने का मतलब है कि जो फंडामेंटल राइट था, यह अधिकार था किसका? नागरिकों का। किसके खिलाफ? राज्य के खिलाफ। राज्य के विरुद्ध नागरिकों का अधिकार हुआ करता था क्या? फंडामेंटल राइट। लेकिन यह आप लिखोगे कि राज्य के विरुद्ध अधिकार, यह भी है राज्य के विरुद्ध नागरिकों के, नागरिकों के अधिकार नहीं होते। अधिकार नहीं होते, लिख लीजिएगा नहीं होते। अगर ना दिख रहा हो, लिखा ही है कि DPSP राज्य के विरुद्ध नागरिक के अधिकार नहीं होते। चलिए, ये तो बात हुई DPSP की। तो ये बताओ आखिर में DPSP होते क्या हैं? ठीक, तो हमने तो ये बताया कि क्या क्या नहीं होता है। देखिए ये लिखा है नीचे, राज्य के विरुद्ध नागरिकों के अधिकार नहीं होते हैं जैसा कि फंडामेंटल राइट होता था। अब देखिए, हमने ये बताया कि DPSP ना तो बाध्यकारी है, ना तो ये बाध्यकारी है, ना प्रवर्तनीय है, ना तो ये नागरिकों को अधिकार मिले हुए हैं राज्य के खिलाफ। ठीक, तो बताइए DPSP का कार्य क्या है? तो मैंने बताया कि यदि एक वेलफेयर स्टेट बनाना है, एक वेलफेयर स्टेट बनाना है, एक ऐसा स्टेट, एक ऐसा राज्य जो वेलफेयर हो, तो उसके लिए DPSP की आवश्यकता पड़ती है। ठीक, तो कहने का मतलब है कि किसी भी राज्य का क्या हो, किसी भी राज्य हो, कोई राज्य हो, इसका सामाजिक, इसका क्या हो, सामाजिक तथा आर्थिक विकास में, सामाजिक तथा आर्थिक विकास में लाभदायक होता है, लाभदायक होता है। बातें क्लियर हैं? हमने ये कहा है कि DPSP किसी राज्य के सामाजिक तथा आर्थिक विकास में क्या होता है? लाभदायक होता है। क्या होता है? गेनफुल होता है, लाभदायक होता है। तो कहने का मतलब है कि यह राज्यों पर नैतिक रूप से, आप लिख सकते हो कि राज्यों पर नैतिक रूप से बाध्यकारी होता है। इस बात को समझ लीजिएगा, नैतिक रूप से हमने लिखा है बाध्यकारी होता है। आप कह सकते हो, ये कहने की बात है, नैतिकता की बात है कि नैतिक रूप से बाध्यकारी होते हैं क्या? DPSP होते हैं। किसके ऊपर बाध्यकारी होंगे? तो राज्यों के ऊपर। नैतिकता की बात करता है कि नैतिक रूप से विकास किया जा सके किसी राज्य का। तो ये तो मोटी मोटी बातें हो गई, क्या DPSP की बात हो गई। इतना देर तो गया किसमें? ये बताने में कि DPSP होते क्या हैं, DPSP होते क्या हैं। अब जानिए DPSP के आर्टिकल को 36 से लेकर 51 तक डाला गया है भाग 4 में, पार्ट 4 में। ये बात हम पहले भी कर चुके हैं। अब जब जान लीजिए थोड़ी बातें कि जो आर्टिकल भाग 4 में हैं, जो DPSP के आर्टिकल भाग 4 में हैं, इन आर्टिकल का वर्गीकरण किया गया है, इन आर्टिकल्स का क्या किया गया है? वर्गीकरण किया गया है। और वर्गीकरण किया गया है तीन प्रकार से। वर्गीकरण कैसे किया गया है? तीन प्रकार से आर्टिकल का वर्गीकरण किया गया है।
उसमें से एक ही पूछा गया है, इसीलिए मैं तीनों बता दे रहा हूँ, क्योंकि वहाँ पर लिखाऊँगा और वही आर्टिकल आज तक पूछा भी गया है, चर्चा भी कर दे रहे हैं, ताकि आर्टिकल के बीच में उसका नाम ना आए। आप लिख सकते हो राज्य के या डीपीएसपी का वर्गीकरण, डीपीएसपी का वर्गीकरण। तो वर्गीकरण किया गया है तीन प्रकार से। कुछ आर्टिकल हैं जिनको उदारवादी कहा गया, उदारवादी विचारधारा के डीपीएसपी, उदारवादी उदारवादी विचारधारा के डीपीएसपी, उदारवादी डीपीएसपी आप लिख सकते हो। दूसरा होता है समाजवादी डीपीएसपी, समाजवादी डीपीएसपी, ठीक। और तीसरा होता है गांधीवादी डीपीएसपी। तीनों नाम से आप समझ रहे होंगे, जिसमें उदारवाद की बात की गई हो, ऐसे आर्टिकल जिसमें उदारवादिता की बात हो, लिबरल्स की बात हो, उन्हें रखा गया है डीपीएसपी, उन आर्टिकल्स को रखा गया है उदारवादी डीपीएसपी में। जो समाजवाद की बात करता हो, जो केस की बात करता हो, समाजवाद की बात करता हो, उसे रखा गया है समाजवादी डीपीएसपी में। और जो गांधी जी से प्रेरित हो, उसे रखा है गांधीवादी डीपीएसपी में। और पूछा भी गया है कि आर्टिकल 40, यही एक आर्टिकल और भी हैं, आर्टिकल 40 किससे संबंधित है, तो जान लीजिए गांधीवादी से। किससे संबंधित है? गांधीवादी विचारधारा से संबंधित है। बातें क्लियर हैं? 40 हो गया, 43 हो गया, 47 हो गया, 48 हो गया, ये सब किस में आते हैं? गांधी में आते हैं। बात क्लियर है यहाँ तक? तो पूछा अभी तक यही गया है इससे रिलेटेड। ये होता है डीपीएसपी का वर्गीकरण होता है। चलिए एक क्वेश्चन आप बताइए, कि जो समाजवाद शब्द है, जो भारत में समाजवाद को अपनाया गया है, या किस देश से लिया गया है, इसका स्रोत क्या है? डीपीएसपी का स्रोत, जो डीपीएसपी में या प्रियम्बल में समाजवाद शब्द लिया गया है, ये कहाँ से लिया गया है, इसका स्रोत क्या है? किसी को पता हो तो रिप्लाई करो। चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं क्या, आर्टिकल 36। किसी का आंसर आया है? आर्टिकल 36 हम स्टार्ट करेंगे। समाजवाद कहाँ से लिया गया है? चलिए आप लोगों को हो लिए होमवर्क है, लेकिन होमवर्क उसके लिए है जिसके पास समय हो। जिसके पास समय नहीं होगा उसके लिए होमवर्क नहीं है। जिसके पास 10-20 सेकंड का टाइपिंग करने के लिए, एक शब्द लिखने के लिए समय ना हो। चलिए आर्टिकल 36 क्या कहता है? मैंने पहले भी इसकी जिक्र किया है, आर्टिकल 36 के बारे में पहले भी बताया था। आर्टिकल 36 और आर्टिकल 12, जिस दिन मैंने आर्टिकल 12 पढ़ाया था उस दिन बताया भी था कि जो राज्य की परिभाषा आप आर्टिकल 12 में पढ़ रहे हो, यही आपको सेम परिभाषा कहाँ मिलेगी? आर्टिकल 36 में मिलेगी। और मैंने बताया था कि राज्य कहते किसे हैं, राज्य की परिभाषा बताया था मैंने आर्टिकल 12 में, और वहाँ बताया था कि राज्य कहते किसे हैं। तो फिर से नहीं बताऊँगा, फिर से नहीं लिख रहे हैं, लेकिन ये आपको पहले भी बताए थे, आज भी जान लीजिए कि जो हमारी संघीय कार्यपालिका है, जो हमारी संघीय विधायिका है, राज्य की कार्यपालिका, राज्य की विधायिका, जो स्थानीय स्वशासन है, और जितने भी गवर्नमेंट अथॉरिटी हैं, वो सब आते हैं किसके अंतर्गत? राज्य के अंतर्गत।
वो सब किसके अंतर्गत आएंगे? राज्य के अंतर्गत आएंगे। तो वहाँ पर मैंने पूरे एक लेक्चर में केवल राज्य की परिभाषा बताई थी कि कौन कौन सी अथॉरिटी आएगी राज्य के अंतर्गत, वहाँ पर मैंने सब डिस्कशन किया था। तो जिसे ये जानना हो वो फिर आर्टिकल 12 या देखा होगा तो उसे पता होगा, जो नहीं देखा होगा फिर वो सोचेगा कि आर्टिकल 36 का मतलब क्या है। लेकिन मैंने पहले ही बताया था क्योंकि पूरा एक लेक्चर जाता है केवल राज्य की परिभाषा बताने में, जो काम हम पहले कर भी चुके हैं। जिस दिन फंडामेंटल राइट का पहला भाग था उसमें मैंने राज्य की परिभाषा बताई हुई थी। चलिए इसके बाद आर्टिकल 37, आर्टिकल 37 कहता है वही बात कि डीपी स्पीच, लिखिएगा डीपी स्पीच प्रवर्तनीय, आप डीपी स्पीच की जगह लिख भी सकते हो राज्य के नीति निदेशक तत्व, हम शॉर्ट में लिख रहे हैं डीपी स्पीच, तो डीपी स्पीच प्रवर्तनीय नहीं होते। मैंने पहले भी बता दिया इस बात को कि आर्टिकल 37 में सीधे सीधे कहा गया है कि जो राज्य के नीति निदेशक तत्व होंगे वह प्रवर्तनीय नहीं होंगे। बातें क्लियर हैं यहाँ तक? वो प्रवर्तनीय नहीं होंगे। चलिए मैंने बताया ना कि आर्टिकल्स बहुत तेजी के साथ निकलेंगे क्योंकि राज्यों पर बाध्यकारी तो है नहीं है आर्टिकल, और जब बाध्यकारी नहीं है तो विवाद नहीं होगा, और जब मामला सुप्रीम कोर्ट नहीं जाएगा तो क्या कहते हैं संशोधन नहीं होंगे। तो संशोधन की क्या ज़रूरत है, जो चल रहा है वैसे चलता रहेगा। इसीलिए केवल एक ही लेक्चर में एक ही घंटे में कंप्लीट हो जाता है ये, वही आर्टिकल उतने ही आर्टिकल, लेकिन वो लगा था किसने 8-9 घंटे लग गए थे। तब भी अगर उसमें सभी केस की स्टडी करो, सबके बारे में जानो, तो कम से कम 20 से 25 घंटे जाएंगे केवल मौलिक अधिकारों को पढ़ने में। अभी तक आपने जितना मौलिक अधिकार पढ़ा था इसका 3 गुना समझ लीजिए, 25 घंटे 30 घंटे तक भी लग सकते हैं। चलिए आर्टिकल 38 में क्या कहा गया है कि कल्याणकारी वेलफेयर स्टेट की स्थापना करेगा कौन? राज्य करेगा, सरकारें। चलिए लिखिए आर्टिकल 38, देखिए जैसे फंडामेंटल राइट में हर जगह पर लिखा था ना कि राज्य ऐसा नहीं करेगा, मतलब जैसे लिखा था कि राज्य सभी के साथ समान व्यवहार करेगा, सारे आर्टिकल में लिखा था ना, जैसे आर्टिकल 15 की लैंग्वेज क्या करती है, कहती है कि राज्य किसी व्यक्ति के साथ जन्म, जाति, रंग, लिंग, मूल स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं कर सकती। तो ऐसे ही इन आर्टिकल्स में जब आप सीधा सीधा भाषा पढ़ोगे तो भाषा में लिखा हुआ है कि राज्य कल्याणकारी राज्यों की स्थापना का प्रयास करेगी कहा गया है, मतलब राज्यों को जिम्मेदारी दी गई है। किसे जिम्मेदारी दी गई है? राज्यों को जिम्मेदारी दी गई है कि आप एक वेलफेयर स्टेट, एक कल्याणकारी राज्य बनने की क्या करो, प्रयास करो। ऐसा कहा गया है किसमें? आर्टिकल 38 में। देखिए अगर हम बात करें थोड़ी सी 2 मिनट के लिए, हम फंडामेंटल राइट पढ़ते हैं, हम डीपीएसपी पढ़ते हैं और फंडामेंटल ड्यूटी पढ़ते हैं। 3 प्रकार के अधिकार हैं, एक तो है हमारा मौलिक अधिकार, एक है हमारा राज्य के नीति निदेशक तत्व हैं, और तीसरा है मौलिक कर्तव्य हैं। तो जब संविधान बन रहा था तो बात थी फंडामेंटल राइट्स को भारतीय संविधान में डाला जाए, वर्णित किया जाए, क्योंकि इसकी मांग बहुत पहले से हो रही थी मौलिक अधिकारों की। तो जब आम नागरिकों को कुछ अधिकार दिए गए तो इसके तहत जो असेंबली थी, असेंबली ने कहा कि जैसे राज्यों को कुछ अधिकार दिए जा रहे, सॉरी नागरिकों को कुछ अधिकार दिए जा रहे हैं, तो राज्यों को भी कुछ कर्तव्य दिए जाएं। किसे कर्तव्य दिए जाएं? राज्यों को कर्तव्य दिए जाएं। तो ये जो डीपीएसपी है ये राज्यों को कर्तव्य दिया जा रहा है कि आप ऐसा करो, लेकिन बाध्यता नहीं लगाई गई है।
क्या नहीं लगाई गई, बाध्यता नहीं लगाई गई। इसीलिए कहा गया कि यह प्रवर्तनीय नहीं है, बाध्यकारी नहीं है, वाद योग्य नहीं है। बातें क्लियर हैं, यहां तक बात समझ में आई है? एक मिनट, तो कहाँ तक हुआ था? थोड़ा सिस्टम बंद हो गया था, सिस्टम में थोड़ी प्रॉब्लम थी। तो चलिए, हम लोग क्या बातें कर रहे थे, हम आर्टिकल 38 के बारे में बात कर रहे थे। हम किसके बारे में बात कर रहे थे? आर्टिकल 38 के बारे में। हमने 36 पढ़ा जिसमें यह कहा गया था राज्य की परिभाषा दी गई, 37 पढ़ा जिसमें कहा गया कि डीपीएसपी प्रवर्तनीय नहीं होते हैं। बात समझ में आई? डीपीएसपी प्रवर्तनीय हो नहीं होते हैं, किसमें कहा गया? आर्टिकल 37 में कहा गया। और फिर आर्टिकल 38 में कहा गया कल्याणकारी राज्य की स्थापना, कल्याणकारी राज्य की स्थापना। करने का प्रयास करेगा कौन? राज्य करेगा। बातें क्लियर है? कल्याणकारी राज्य, इंग्लिश अगर लिखा होगा तो लिखा होगा वेलफेयर स्टेट। राज्य की स्थापना का प्रयास करेगा कौन? राज्य। और राज्य कौन होता है मैं बता चुका हूं, आर्टिकल 12 में मैंने बता दिया था कि राज्य होता क्या है। और वो राज्य और ये राज्य दोनों में डिफरेंस है, मैंने उसी टाइम बताया था, मैंने उस टाइम बताया था। ठीक, तो आप लोगों को आशा करते हैं पता भी होगा क्योंकि आप लोगों ने पढ़ा होगा। अब देखो, कल्याणकारी राज्य कब बन सकता है? कल्याणकारी राज्य कब बन सकते हैं कि जिस राज्य में सामाजिक आर्थिक न्याय की बात हो, ठीक, राजनीतिक जितने भी मामले हों सब में एक सामंजस्य बना हो, सब में क्या बना हो? सामंजस्य बना हो। तो कहने का मतलब है कि यदि पूछा गया कल्याणकारी राज्य का मतलब क्या है, तो कल्याणकारी राज्य का मतलब है कि उस राज्य में जो सामाजिक स्थिति है, जो राजनीतिक स्थिति है, जो आर्थिक स्थिति है, ठीक, न्याय की बात है, इन सब में क्या हो? एक सामंजस्य बना हो। वह सामाजिक रूप से, आर्थिक रूप से, राजनीतिक रूप से, न्याय में क्या हो? हमेशा एक इक्वल हो। इक्वल का मतलब है कि मेल मिलाप हो, सामंजस्य बना हो। और यदि किसी राज्य में ऐसा होगा तो उसे कल्याणकारी राज्य कहा जाएगा, एक वेलफेयर स्टेट कहा जाएगा। और ऐसे वेलफेयर स्टेट की कल्पना की जाती है किसके द्वारा? आर्टिकल 38 द्वारा, कि ऐसे वेलफेयर स्टेट का निर्माण करेगा कौन? राज्य करेगा। और राज्य कौन? जो आर्टिकल 36 का राज्य है, आर्टिकल 12 का राज्य है, ये राज्य इसकी क्या करेगा? कल्पना करता है। उस एक जिम्मेदारी दी जाती है कि आप एक वेलफेयर स्टेट का निर्माण करो। बातें क्लियर हैं यहाँ तक? तो चलिए लिखो आर्टिकल 39। देखिए, मैं चीज़ों को बहुत धीरे धीरे पढ़ा रहा हूँ। आप कहीं भी डीपीएसपी पढ़ोगे ना तो एक ही लेक्चर में 35-40 मिनट में पूरा डीपीएसपी कंप्लीट हो जाता है। लेकिन मैं इसे भी कोशिश करूँगा कि दो लेक्चर में ले जाऊँ। दो लेक्चर में ले जाने से ये होगा कि जितने भी पॉइंट आएंगे धीरे धीरे पढ़ाएंगे तो सारे पॉइंट क्लियर होंगे। ठीक, चलिए आर्टिकल 39 बताइए। आर्टिकल 39 में क्या कहा गया है? मैंने पहले भी बताया था आर्टिकल 39 के बारे में। आर्टिकल 39 के बारे में मैंने पहले भी बात की थी कि आर्टिकल 39 क्या है। तो मैंने बताया था कि सामाजिक आर्थिक विकास, इसमें जो पॉइंट लिखा हुआ है वो लिखा है सामाजिक आर्थिक विकास, आर्थिक विकास
के संदर्भ में। के संदर्भ में देखिए, सामाजिक आर्थिक विकास का मतलब क्या है? सामाजिक न्याय की बात करता है। सामाजिक न्याय की बात करता है कौन? आर्टिकल 39। मैंने पहले भी बताया था, जब आपको आर्टिकल 31 का सी बताए थे, जो संपत्ति का अधिकार पढ़ाया था, तो वहां पर आर्टिकल 39 के बी और 39 के सी की बात की थी, जो आर्थिक न्याय की बात करता था। और मैंने वहां पर यह भी बताया था कि आर्टिकल 31 का सी ही कहता था कि आप आर्टिकल 39 का बी तथा 39 का सी के आधार पर आर्टिकल 14 और 19 को लेकर सुप्रीम कोर्ट में चुनौती नहीं दे सकते हो। मैंने इसकी भी बात की थी, किसमें? जब 31 का सी बताया था, सी में यही भाषा ही लिखी गई थी। ठीक, तो आर्टिकल 29 बात किसकी करता है? कि राज्य सरकार सामाजिक आर्थिक विकास का कार्य करेगी। आर्थिक विकास लाएगी, कैसा आर्थिक विकास? सामाजिक हो, जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट होगा वो सामाजिक होगा, सोशली होगा, ऐसा कहता है कौन? आर्टिकल 39 कहता है। और इसी आर्टिकल 39 के कुछ सब क्लॉज हैं, जिसमें से ए है, बी है और सी है। ठीक, आर्टिकल 39 के सब क्लॉज लिखिएगा आप, आर्टिकल 39 के सब क्लॉज ए। आर्टिकल 39 का सब क्लॉज ए, आर्टिकल 39 का सब क्लॉज ए। और सब क्लॉज ए क्या कहता है? कि राज्य प्रत्येक नागरिक को आजीविका के पर्याप्त साधन उपलब्ध कराएगी। आर्टिकल 39 ए कहता है कि राज्य आजीविका आजीविका के पर्याप्त साधन उपलब्ध कराए, तभी तो बनेगा सामाजिक आर्थिक विकास होगा। उपलब्ध उपलब्ध कराए, ऐसा कहा गया किसमें? 39 के ए में कहा गया कि राज्यों का यह फर्ज है कि वह सामाजिक आर्थिक विकास से संबंधित प्रत्येक नागरिक को आजीविका से संबंधित, मतलब उनकी जिससे जीवन यापन हो सके उससे संबंधित पर्याप्त साधन उपलब्ध कराए। क्या करे? पर्याप्त साधन उपलब्ध कराए। बातें क्लियर है यहाँ तक? पर्याप्त साधन उपलब्ध कराने की जिम्मेदारी दी गई है किसे? राज्यों को दी गई है। किसके लिए? आजीविका चलाने के लिए। किस आर्टिकल में? आर्टिकल 39 के ए में। और कहा गया कि तभी एक वेलफेयर स्टेट का निर्माण होगा, ऐसा कहा गया आर्टिकल 39 के ए में। बातें क्लियर है यहाँ पर? चलिए लिखिए आर्टिकल 39 का बी लिखिए। और 39 के बी में कहा गया भौतिक संसाधनों का, जो हम पहले भी बता चुके हैं, भौतिक संसाधनों का समान वितरण। 39 का बी लिखेगा भौतिक संसाधनों का समान वितरण। आर्टिकल 39 के बी में कहा गया कि राज्य भौतिक संसाधनों का समान वितरण करेगी या कराएगी। और भौतिक संसाधन मैंने बताया भी था क्या होते हैं, जैसे मैंने बताया था ना एग्जांपल पेट्रोलियम पदार्थ का, तो वो क्या था? एक भौतिक संसाधन था। तो उसका राज्य क्या कराएगी? समान वितरण कराएगी। जितने भी भौतिक संसाधन है उस पर कोई अकेला व्यक्ति कब्जा नहीं कर सकता है, तो उसका क्या होगा? समान वितरण कराएगी। ठीक, अगर इससे संबंधित हम बात करें
अगर भौतिक संसाधनों का अगर हम एग्जाम्पल लें तो हमें एक बहुत बड़ा उदाहरण समझ सकते हैं कि जमींदारी उन्मूलन। हमने कई बार इसकी बात की थी कि जमींदारी उन्मूलन कि आज़ादी के बाद तमाम ऐसे लोग थे, जमींदार थे, जिनके पास ज़मीन बहुत ज़्यादा हुआ करती थी। तो सरकारों ने क्या किया कि जमींदारी उन्मूलन कानून लाया और उस कानून के तहत कुछ लिमिट लगा दी कि एक व्यक्ति के पास इतने एकड़ से ज़्यादा ज़मीन नहीं हो सकती, और उसके बाद जितनी ज़मीन उनके पास थी उस ज़मीन का अधिग्रहण कर लिया किसने, सरकार ने कर लिया और उसे गरीबों में बांट दिया। उसे क्या किया, गरीबों में बांट दिया। करने का मतलब क्या था, क्यों कर रहा था, सामाजिक आर्थिक विकास की बात करने के लिए, क्योंकि वह जमीन भौतिक संसाधन थी। क्या थी, भौतिक संसाधन थी, तो इसलिए भौतिक संसाधनों का क्या करना था, समान वितरण करना था, इसी के तहत किया गया। बातें क्लियर है यहां पर, बातें क्लियर हैं। चलिए 39 का सी देखिए, आर्टिकल 39 का सी क्या कहता है। आर्टिकल 39 का सी कहता है कि कोई भी धन हो, धन का मतलब संपत्ति, प्रॉपर्टी। आर्टिकल 39 का सी कहता है कि कोई भी धन हो, संपत्ति हो या फिर उत्पादन के साधन हो। क्या कहती है आर्टिकल 39 का सी कहता है कि कोई धन, धन को ही आप लोग क्या कहोगे, संपत्ति। कोई संपत्ति हो या धन हो या फिर उत्पादन के साधन हो, उत्पादन के साधन, ठीक, कोई भी धन हो या फिर कोई उत्पादन का साधन हो, इस पर किसी व्यक्ति का केंद्रीकरण नहीं होगा। कहने का मतलब है कि सरकारें प्रयास करेंगी कि यदि कोई संपत्ति हो और कोई उत्पादन का साधन हो तो उस पर कभी किसी एक ही व्यक्ति का केंद्रीकरण ना हो, सेंट्रलाइजेशन ना हो। बातें क्लियर हैं, ऐसा कहा गया किसमें, आर्टिकल 39 के सी में कहा गया। यहां तक बातें क्लियर हैं। अब देखिए इसका कहने का मतलब क्या है, हम आपको अगर एग्जांपल सुनाएं, एग्जांपल बताएं, तो आप सबको पता है कि 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था। 14 बैंकों का क्या किया गया था, राष्ट्रीयकरण किया गया था। प्राइवेट बैंक थी लेकिन उनका क्या कर दिया गया, राष्ट्रीयकरण कर दिया गया। राष्ट्रीयकरण किसके तहत किया गया था, इसी आर्टिकल 39 के तहत किया गया था, और उसी में कहा गया कि जो ये बैंक हैं अब ये प्राइवेट हाथों में नहीं रहेंगे, अब प्राइवेट लोगों के हाथों में नहीं रहेंगे, सरकार इन्हें अपने कब्जे में ले लेगी। और सरकार ने उन्हें कुछ कंपनसेशन देकर, कुछ मुआवजा देकर उन्हें क्या किया, अपने कब्जे में कर लिया। ऐसे अगर उत्पादन के साधन की बात करें तो मैंने कई बार बताया कि यदि आपके ज़मीन में, आपके खेत में पेट्रोलियम पदार्थ निकल जाता है तो वो उत्पादन का साधन है, लेकिन आप जो है उस पर केंद्रीकरण नहीं हो सकते हैं। राज्य ऐसा प्रयास करेगी कि उस पर आपका अकेले कब्जा ना हो, वो भौतिक संसाधन उसका क्या हो, समान वितरण हो, सामाजिक आर्थिक विकास की बात हो। ऐसा कहा गया आर्टिकल 39 के सी में कहा गया। बातें क्लियर हैं यहाँ तक। अब इसके बाद जैसे हम आपको एक एग्जाम्पल और दें, एक बात से और समझाएं कि जैसे मुकेश अंबानी हैं, मुकेश अंबानी के पास इतना पैसा है वो चाहें तो भारतीय रेलवे को खरीद सकते हैं। भारतीय रेलवे जो एशिया की सबसे बड़ी संस्था है उस रेलवे को भी खरीद सकते हैं। जितने भी बैंक हैं उन सबको खरीदने की ताकत है मुकेश अंबानी में, लेकिन क्या सरकारें उसको बेचेंगी, और यदि बेच देती हैं तो कंडीशन पूरा क्या हो जाएगी, केंद्रीकरण की बात हो जाएगी कि पूरे बैंकों की ताकत एक व्यक्ति के पास पहुंच जाएगी और वो होगा मुकेश अंबानी। तो 39 के सी में यही रोका गया है कि
कि यदि राज्य चाहते हैं कि एक वेलफेयर, एक कल्याणकारी राज्य की स्थापना होनी, एक कल्याणकारी राज्य की स्थापना हो, ऐसा अगर राज्य चाहते हो तो केंद्रीकरण को रोका जाएगा। बातें क्लियर हैं? केंद्रीकरण को रोका जाएगा, तभी एक वेलफेयर स्टेट की स्थापना की जा सकती है। और जो मैंने बताया था कि समाजवाद शब्द, ये आया था रसिया से, रूस से आया था, और वहां पर परिभाषा भी दी गई थी कि रूस में कहा भी गया था, वहां के समाजवाद के अनुसार कहा भी गया था कि जितने भी साधन उत्पन्न करने वाले संस्थाएं हैं, इन सब का सरकार का नियंत्रण होना चाहिए, इन सभी पर सरकारों का नियंत्रण होना चाहिए, तभी एक समाजवाद लाया जा सकता है किसी भी देश में। बातें क्लियर हैं? तो ये हमारा क्या आर्टिकल 39 का सी है। चलिए अब एडिंग डालिए आर्टिकल 40, आर्टिकल 40। आर्टिकल 40 आप सबको पता होगा, आर्टिकल 40 और आर्टिकल 40 क्या है? ग्राम पंचायतों का गठन। ग्राम पंचायतों का गठन ऐसा कहा गया किसमें? आर्टिकल 40 में कहा गया। नोट करिए इसे। आर्टिकल 40 में कहा गया ग्राम पंचायतों का गठन। चलिए जल्दी से नोट करो। चलिए आज की क्लास यहीं आर्टिकल 40 पे ही ख़त्म करेंगे, कल हम आर्टिकल 40 को फिर से स्टार्ट करेंगे। बात समझ में आई? कल हम आर्टिकल 40 को फिर से पढ़ेंगे और डीपी स्पीच को ख़त्म करेंगे, भाग 4 को, और हम फिर स्टार्ट करेंगे मौलिक कर्तव्यों को। लेकिन इससे पहले मैंने पहले भी कहा था, आज लास्ट बार कह रहे हैं, क्वेश्चन कोई भी चैट में नहीं पूछेगा। जिसे क्वेश्चन पूछना हो देवकी नंदन सुन लो अच्छे से, मैंने पहले भी कहा था कि आप क्वेश्चन पूछना है तो वो कमेंट में पूछोगे। आपने सीधे लिख दिया कि सर हमारे क्वेश्चन का जवाब नहीं दे रहे हो, चैट चली जाती है, दिखती नहीं है बाद में, तो हम आपका क्वेश्चन का जवाब कहाँ से दें? तो इस बात को फिर से सुन लो, जिसे भी क्वेश्चन पूछना है वो कमेंट सेक्शन में पूछेगा। जहाँ कहीं भी डाउट होगा आप कॉल कर सकते हो, मैसेज कर सकते हो, व्हाट्सएप पे कर सकते हो, लेकिन चैट में कोई क्वेश्चन नहीं पूछेगा। कोशिश करते हैं चैट में बताने की, लेकिन चैट में क्वेश्चन ज़्यादा टाइम तक रुकता नहीं है, फिर आप लोग डिलीट भी कर देते हो मैसेज को। बातें समझ में आई? तो कल हम इसी के आगे या आर्टिकल 40 से ही बात करेंगे अगले लेक्चर में, जो कल होगा। तब तक आप लोग वीडियो को लाइक करिए, चैनल सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। गुड नाइट, टेक केयर, जय हिंद।